हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल और रैंडम टेक्स में आपका स्वागत है। आज हम ओरिजिन्स ऑफ इंटरनेट के बारे में जानेंगे। ये किस तरह अस्तित्व में आया और इंटरनेट को बनाने में किन लोगों का योगदान रहा, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत 1960s में एक प्रोटोटाइप से हुई, जब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आर्पानेट को बनाया। अगस्त 1962 में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के एक साइंटिस्ट JCR लिकलाइडर ने एक सोच रखी। उनकी यह सोच थी कि ऐसा कोई सेटअप बनाया जाए जिससे कि कंप्यूटर विश्व स्तर पर आपस में कनेक्ट हो सके और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। असल में उन्होंने एक गैलेक्टिक नेटवर्क की कल्पना की थी। अक्टूबर 1962 में लिकलाइडर डरपा की बनाई पहले कंप्यूटर रिसर्च प्रोग्राम के चीफ बने। वहाँ पर उन्होंने पहले से काम कर रहे साइंटिस्ट इवान सुतरलैंड, बॉब टाइलर और MIT के रिसर्चर लॉरेंस जी रॉबर्ट्स को नेटवर्किंग के बारे में बताया। जुलाई 1961 में MIT के ही एक और साइंटिस्ट लियोनार्ड क्लेंट्रॉक ने पैकेट स्विचिंग थ्योरी पेपर पब्लिश किया, जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की ओर एक बहुत ही बड़ा कदम था। उनकी पहली किताब इस विषय में ईयर 1964 में पब्लिश हुई। दोस्तों, 1965 में MIT के साइंटिस्ट लॉरेंस जी रॉबर्ट्स और सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SDC के साइंटिस्ट थॉमस मेरिल ने पहली बार एक एक्सपेरिमेंटल वाइड एरिया नेटवर्क बनाया, जहां एक कंप्यूटर जिसका नाम था TX-32 को MIT में रखा गया और दूसरा कंप्यूटर जिसका नाम था Q-32 उसको कैलिफोर्निया के सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में रखा गया। इन दोनों कंप्यूटर को टेलीफोन लाइंस के ज़रिए कनेक्ट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकला कि सर्किट स्विच्ड नेटवर्क बड़े वाइड एरिया नेटवर्क के लिए काफ़ी नहीं था और पैकेट स्विच्ड नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा गया। दोस्तों, लेट 1966 में डरपा में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर MIT के लॉरेंस जी रॉबर्ट्स, जिन्होंने अपना पेपर कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, उसी कॉन्फ्रेंस में UK की NPL नेटवर्क के रिसर्चर्स डोनाल्ड डेविस और रॉजर स्कैंटलबरी ने भी अपना पेपर पैकेट नेटवर्क कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया और अमेरिका की कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट RAND के साइंटिस्ट पॉल बैरन और उनकी टीम भी थी, जिन्होंने 1964 में पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था पैकेट स्विचिंग नेटवर्क फॉर सिक्योर वॉइस इन द मिलिट्री। दोस्तों, सभी साइंटिस्ट साथ में काम कर रहे थे और सभी का एक ही उद्देश्य था कि एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जा सके, चाहे वो काम मैसाचुसेट्स की MIT यूनिवर्सिटी में हो रहा हो या अमेरिका की कंपनी RAND में या UK की कंपनी NPL नेटवर्क्स में, सभी का एक ही लक्ष्य था। दोस्तों, अगस्त 1968 में लॉरेंस जी रॉबर्ट्स और डरपा की फंडेड कम्युनिटीज ने आर्पानेट के स्ट्रक्चर और स्पेसिफिकेशन को फिर से रीडिफाइन किया और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर IMP कंपोनेंट डिज़ाइन के लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन रिलीज कर दी। दोस्तों, दिसंबर 1968 में अमेरिका की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी BBN टेक्नोलॉजीज ने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को जीत लिया। उस वक्त BBN टेक्नोलॉजीज के हेड थे फ्रैंक हार्ट। आगे जाके BBN के हेड फ्रैंक हार्ट और डरपा के बॉब खान, जो कि आर्पानेट के आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट थे, दोनों ने इस काम को आगे बढ़ाया। दोस्तों, सितंबर 1969 में आर्पानेट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया। एक कंप्यूटर को UCLA के नेटवर्क एंड मेजरमेंट सेंटर में रखा गया और दूसरे को स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI के लैब में रखा गया।
उस वक्त एक कंप्यूटर का साइज एक छोटे कमरे के बराबर होता था। दोस्तों, पहला मैसेज एक लॉगिन शब्द को भेजा गया, मगर शुरुआत में नेटवर्क क्रैश हो गया और केवल दो ही लेटर्स स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI के पास पहुंच सके। अगले एक महीने में दो और कंप्यूटर्स को ARPANET से जोड़ा गया। एक कंप्यूटर UC सेंटा बारबेरा यूनिवर्सिटी के लैब में रखा गया और दूसरा कंप्यूटर को यूनिवर्सिटी के उताह में रखा गया, और यहीं से इंटरनेट अपने शुरुआती रूप में आया। दोस्तों, 1970 में साइंटिस्ट रॉबर्ट खान और विंटन सर्फ ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP को डेवलप किया, और इससे इंटरनेट को एक नई दिशा मिल गई। ARPANET ने 1 जनवरी 1983 में TCP/IP को अडॉप्ट कर लिया, और यहीं से एक मॉडर्न इंटरनेट युग की शुरुआत हुई। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं, इसके लिए मुझे सपोर्ट लाइक और सब्सक्राइब करके कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।